लो लो, थैंक यू। गलत माँ, तुम्हें मामा ले जाओ मामा। हाँ मामा को हाय करो, हाय बाय 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 बाय। अच्छा नहीं ले तो यारो, ये हैं अपने भांजे जी जो सुबह 4 ही 3 ही 4 ही बजे से उठ के सबको परेशान कर रही हैं। आपने पीछे देखा ही होगा क्या क्या कर रही हैं। अभी ये मोबाइल चला रही हैं और ये बाल गणेश का गाना सुन रही हैं और परेशान करती रहती सबको 4 ही बजे उठ के। और ये अपनी बहन अभी यहाँ सो रही है, देखो ये सर छुपा के। इससे अपना आज कंपटीशन था कि जल्दी कौन आएगा सुबह, तो अभी तक ये सो रही है, उठी नहीं है। और मैं चल के दिखाता हूँ, अपनी दादी जी नहा चुकी हैं और नहा के जा रही हैं छूने के लिए चावल आज, क्योंकि मकर संक्रांति है, आज 14 जनवरी है ना, तो ये देखो छू रही हैं बढ़िया से, जल चढ़ाई है मंदिर में और अब चावल छू रही हैं। अब पानी से इसको कर रही हैं, अगरबत्ती भी जल चुका है वहाँ पे और बस हो चुका। अपनी दादी जी चावल छू चुकी हैं और यहाँ पे बैठ के आग जल चुका है भाई, तो आग हम पूरा कर देते हैं ताकि भी दादी जी नहा के आई है ना, तो उनको ठंड लग रहा होगा भाई। सुबह सुबह नहाना बड़ी बात होती है और आज मकर संक्रांति है तो सब कुछ जल्दी नहाता है। और सामने अपने इधर ही यहीं पे ये वहाँ मंदिर दिख रहा होगा, अभी हम लोग भी जाके नहा के यहाँ पर जल चढ़ाएंगे। तो पहले आगे सही कर देता हूँ मैं, उसके बाद हम लोग भी चलेंगे नहाने के लिए। आग जल चुका है, अपनी दादी जी नहा धो के तैयार बैठ चुकी हैं, चावल छू चुकी हैं और मोजा पहन रही हैं क्योंकि ठंड से बचना भी तो है। मजा आ गया नहा के आरी, मजा आ गया नहा के। जाल लगा था कि ना लागत नहीं, खूब ठगा था, आगे लगे बैठा लो। और ये देखो अपने दादाजी आ गए हैं, पूरा सब स्वेटर वेटर लाद लिए हैं और अभी मफलर बांधने जा रहे हैं। सबसे पहले घर में दादाजी ही नहाए थे और नहा धोकर सबसे पहले तैयार हो चुके, मंदिर में जल चढ़ाए और चावल भी छू चुके हैं। अब बैठ के आग के सामने अभी आग ही तापेंगे, तो देखते हैं भाई। गुड मॉर्निंग यारो, और स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। अभी सुबह के 5 बजने वाले हैं भाई, आज बड़ा जल्दी नींद खुल गया था 3 बजे के आसपास, क्योंकि भांजी जी उठ के खेलने लगी थी, रोने लगी थी, सबको परेशान करने लगी थी, उनके साथ खेल रहे थे, आपने इस सारे वीडियो देखा होगा। फिर जब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास हुआ तो दादाजी और दादी जी नहा के बढ़िया मंदिर में जाके जल चढ़ा के शिवालय में और चावल वावल छू चुके थे, क्योंकि आज मकर संक्रांति है, 14 तारीख है, 14 जनवरी है। तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। तो अभी दादा तो और दादी जी तो नहा चुके, वो घर के मालिक हैं, गढ़धुर है, मुखिया हैं, तो उनको नहाना जल्दी रहता है भाई, वो जल्दी नहा के सब अपना काम फ्रेश करके सब तैयार हो जाते हैं। और दादी जी अभी जा रही थी धूप बत्ती छीलने और जाके अभी प्रसाद वरसाद निकालेंगी, जब थोड़ा और सवेरा हो जाएगा, जब सब गाँव वाले उठ के चहल पहल होगी तब प्रसाद वरसाद बांटेंगे। और मैं आया हूँ अभी नहाने के लिए, हाथ में लोटा है जाके शिवालय में जल चढ़ाने के लिए। तो अभी मैं नदी में आया हूँ नहाने के लिए, लेकिन उससे पहले फ्रेश होऊंगा, फ्रेश होने के बाद नदी में कूद जाएंगे घम से। आपने जो मेरा गोइंग टू अपलोड माय फर्स्ट ब्लॉग उसमें देखा होगा, घर से कूदता सीधे नदी में छलांग मार देता था भाई, तो वैसे जाएंगे अभी कूदेंगे, एक बार कूदूंगा उसके बाद घम घम नहा के बाहर निकल जाएंगे, जाके मंदिर में जल चढ़ाएंगे। तो चलो पहले फ्रेश होते हैं फिर नहाते हैं। तो यारो हमने कपड़े उतार लिए, अभी नदी है, जाके कूदेंगे, 2 घबलंगा मारेंगे, बस निकल के बाहर आ जाएंगे। तो चलो चलते हैं नहाते हैं, बहुत ठंड का पानी है भाई सुबह नदी का। मेरा तो हो गया यारो, आपका पता नहीं, अब निकल के चलते हैं। तो यारो मैं नहा चुका हूँ और नहा धोकर भाई कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, अभी लोटा लाया था भाई चलो चढ़ाने के लिए शिवालय में, तो यहाँ नहाए थे नदी में, तो नदी से पानी नहीं जाते हैं, शिवालय में चढ़ाएंगे, तो चढ़ाते हैं भाई पानी वानी भर के, चलते हैं शिवालय में जल चढ़ाने के लिए। लेकिन अभी उससे पहले इसमें 1 रुपया कुछ पत्ते डालेंगे, फूल डालेंगे और चावल भी थोड़ा डाला जाएगा इसमें, उसके बाद चल के चढ़ाएंगे शिवालय के अंदर जल। वाह चलते हैं, मैं शिवालय के पास आप लोगों को मिलता हूँ।
तो यारो हम लोग नहा चुके नदी में। नदी में नहाने के बाद आया भाई जलोल मंदिर को चढ़ाया, वहाँ जाके भगवान से आशीर्वाद लिया। और आगे जो चावल जैसे दादाजी सुबह छुए थे, हमने भी चावल छू लिया है। इस चावल को किसी को दे दिया जाएगा, जो गोसाई वसाई होते हैं उनको दे दिया जाएगा। अब जा रहे हैं अभी कपड़े वपड़े घा लेंगे और जाके अपने जो पतिदार होते हैं उन सबसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका आशीर्वाद लेना है। तो आओ पहले कपड़े वपड़े घा लेते हैं, फिर तब मिलता हूँ मैं तुम लोग आप लोगों से। तैयार हो? मैं कपड़े पहन के तैयार हो चुका हूँ। अब चलो चलते हैं, बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते हैं। तो सबसे पहले घर से स्टार्ट करते हैं। ये अपनी दादी जी बैठी है, टिकड़ी बना रही है, पहले इनका आशीर्वाद ले लेते हैं। यहाँ दादाजी बैठे हैं अपने। तो यारो ये सबसे बड़े वाले हमारे दादाजी हैं, तभी हम इनका आशीर्वाद लेने आए हैं भाई। इनका नाम अमेरिका प्रसाद है भाई। तो इनका आशीर्वाद हम लोग ले चुके हैं, अब बगल में दादी जी सो रही हैं, तो अभी इनका आशीर्वाद लेते हैं भाई। आशीर्वाद लेने के बाद अभी और जाएंगे भाई अपने पतिदार में। ये हमारे चाचा जी हैं, इनका नाम पवन है। ये काफ़ी मस्त दान करते हैं भाई, मज़ा आ जाता है। ये अपनी छोटी चाची जी हैं, इनका भी आशीर्वाद लेना ज़रूरी हो जाता है भाई। तो इनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं हम लोग। और बगल में भाई अपनी चाची हैं, जो अभी पवन चाचा जी हैं उनकी वाइफ है, ये इनका आशीर्वाद। ये देखो हमारे चाचा जी सो ही रहे हैं, आशीर्वाद देना छोड़ के चढ़ने में। यारो ये हमारे मित्र आ रहे हैं, अभी यहाँ से फूल तोड़ेंगे। अरे उधर जाके तोड़ो, बताए बड़ी का नेता मने जैसे लग रहे एकदम से। अमित फ्रेंड आ रहे हैं जल चढ़ाने के लिए मंदिर में, शिवालय में। ये जल चढ़ा रहे हैं हमारे फ्रेंड। ये है शिवालय भोलेनाथ का शिवलिंग है ये, और ये हमारे फ्रेंड जल चढ़ा रहे हैं। और मत ये देखो फूल चढ़ा रहे हैं अभी, ये देखो फूल अक्षत और पैसे और चढ़ा रहे हैं। और ये हैं अपनी दादी जी आई हैं, छोटी दादी जी हैं। यहाँ कलमा है, इस पर धूप प्रसाद बांधने के लिए चढ़ा रही हैं, और ये प्रसाद रखी हैं, और अभी जाके बाहर बांटेंगी, अभी अगरबत्ती जलाने जा रही हैं। और ये हमारे फ्रेंड आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान भोलेनाथ जी का, और अब घंटा बजाएंगे। ये देखो तो ये हमारे फ्रेंड आ रहे हैं चावल छूने के लिए। वो देखो बैठ के चावल छूने जा रहे हैं, पहले साइड से पानी डालेंगे और फिर दोनों साइड से हैं। हमारे फ्रेंड की मैडम जी बता रही हैं कि ऐसे करो वैसे करो। उसमें चावल है, उड़द है और नमक रखा हुआ है छूने के लिए। तो आप बिल्कुल तो हमारे फ्रेंड छू चुके हैं, अब चावल उठा के साइड में रख देंगे। इनके मैडम जी खुद ही रख रहे हैं देखो। बढ़िया वाह, और लेक पर लाइट आ हजून। कहा तो रहे फिर से गोर छुओ एक बार। ले जाओ मौसा आएला कि नहीं आएला। प्यारो जैसा कि आपने पीछे देखा, हम लोग पहले सुबह उठे तो भांजी के साथ खेलने लगे। खेलने के बाद क्योंकि काफ़ी सुबह 4 बज गया था, तो दादाजी और दादी नहा के तैयार हो चुके थे और जल और चढ़ा के आ चुके थे, क्योंकि आज मकर संक्रांति है, 14 जनवरी है।
नहा धोने के बाद मैं सोचा हम भी चलो नहा लेते हैं आज जल्दी जल्दी। तो मैं भी गया 4:30 बजे के आसपास नहा लिया भाई, और नहा धो के जल चढ़ाया मंदिर में। जल चढ़ाने के बाद आया, थोड़ा कपड़े वपड़े डाला और जाके अपने जो पतिदार थे उनका, सबके जो बजे बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद फिर थोड़ी देर आग टापा, फिर दादी जी गई थी प्रसाद बांटने के लिए, प्रसाद उत्साद बांटने, सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ कपड़े वपड़े चेंज करने। कपड़े चेंज करने के बाद मुकरू भवानी जाएँगे वहाँ दर्शन करने के लिए आज। तो मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो जो मुकरू भवानी वाला दर्शन होगा वो अलग पार्ट में होगा, ये पहला पार्ट होगा। तो चलते हैं भुकरू भवानी का दर्शन करने के लिए, लेकिन मैं उससे पहले तैयार हो लेता हूँ। तो मिलते हैं रास्ते में भुकरू भवानी के दर्शन करने टाइम।